अस्सलाम वालेकुम हीरो तवीनियो, की हाल है? मीडिया सारे ठीक होवोगे? मैं भी शुक्र अल्लाह ठीक हाँ। तो मैं वहाँ नायला हूँ ना, तो अज असी बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े की रैसपी बना रहे हैं जो कि सारे बहुत पसंद भी हैगी। सारे छोटे वोटे बहुत शौक न खाएंगे। तो असी बना रहे हैं जी चिकन स्पाइसी क्रीमी पास्ता। ठीक है, इंग्रीडियंट्स बहुत थोड़े है तो सब बहुत अच्छी भी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा जी, मेरे पास ये आ गया पैन। पैन प्री हीट है, पास्ते को मैंने बॉईल करना रख दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, और इसमें चली जाएगी जी हमारी गार्लिक। अच्छा जी, इसमें जा रहा है थोड़ा सा गार्लिक। ऑयल भी गर्म हो चुका है, गार्लिक और जिंजर की पेस्ट। अच्छा जी, इसमें जा रहा है थोड़ा सा गार्लिक। ऑयल भी गर्म हो चुका है, गार्लिक और जिंजर की पेस्ट। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ये जो मैंने शंक्स करवाए हुए ना पास्ते के मीट के, और क्या कहते हैं चिकन के छोटे पीस होंगे। तो ये मेरे पास 1 kg से ज़्यादा ही है, तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। और ये बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स हैं इसके। ठीक है, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। इसमें अच्छा जी, इसमें मैंने अभी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड की, बस सॉल्ट की है और बाकी चीज़ें जो है ना वो एंड पे ऐड करनी है, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और सिर्फ इसमें जाएगी ब्लैक पेपर। ठीक है, क्योंकि और भी स्पाइसी है ये पास्ता थोड़ा सा। ये है जी 1 teaspoon के करीब अभी मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया। बाकी जब चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो तब ऐड करूँगी। ठीक है, और उस साइड पे हमारा पास्ता भी बॉईल हो रहा है और इस साइड पे हमारा चिकन भी हो जाएगा साथ ही। ठीक है, आप हमें ये भी बताया करें कि आप कहाँ से, किस जगह से और किस इलाके से हमें देख रहे हैं, और जो कमेंट्स आपके साथ होते हैं वो हमारे लिए आपका प्यार होता है। अच्छा जी, ये देखें चिकन ने अपना ही इतना पानी रिलीज़ कर दिया है कि अब इसमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ सब्जियां ऐड करूंगी, आपको जो पसंद है वो ऐड कर लें। मैं शिमला मिर्चें ऐड करने लगी हूँ, तो आपको अगर पालक या कुछ और स्पिन पसंद है तो आप वो ब्रोकली, स्पिनच, कैबेज, जो भी आप डालना चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसने पानी काफ़ी छोड़ दिया है। तो अब हम इसी पानी में इसको पकाएंगे क्योंकि और पानी डालने के लिए। अच्छा, ये देखें कि मैं इसी में इसको पका लूँगी और इसमें फिर मैं शिमला मिर्चें ऐड कर दूँगी। अगर आप बंद गोभी या कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं।
इनको मैं ज़्यादा देर नहीं बताऊँगी, बिल्कुल 5 से 6 मिनट तक ही सोते करूँगी, क्योंकि इनका क्रंच जो है ना मिर्चों का वो इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो साथ में ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। मेरे पास ये डार्क वाला है, लाइट हो तो लाइट यूज़ कर ले, डार्क है तो डार्क यूज़ कर ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये 3 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसमें अच्छा जी, तो इसमें जाएगी ये है चिली सॉस, ठीक है, हॉट एंड स्पाइसी, ठीक है, तो ये डाली है। अब ये है जी हॉट वाली सॉस, ठीक है, और ये भी मैं 1.5 से 2 चम्मच भर के ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब हम इनको 2 से 3 मिनट भूनते हैं। ठीक है, ये पास्ता बहुत मज़े का बनेगा और कलर भी देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त आए हैं। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैं अब इसमें ऐड करूँगी विनीगर। ठीक है, ज़्यादा नहीं करूँगी, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन विनीगर से इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है और मज़े का बन जाता है। ये माशाल्लाह से सारा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको पास्ते में मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा जी, ये चिकन ऐड कर दिया, अब हम इसमें क्रीमी है तो क्रीम तो होनी चाहिए इसमें। ये है वाइट सॉस, ये ऐड हो जाएगी इसमें अब। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। अच्छा जी, ये देखें इसको कर लिया हमने मिक्स, अब इसमें जाएगी जी थोड़ी सी केचप। अच्छा जी, ये देखें ये हो गया हमारा क्रीमी सा पास्ता रेडी, तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। डिश आउट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरे कुछ बच्चे जो है ना वो चीज़ नहीं खाते, इसलिए अभी मैंने चीज़ इसमें ऐड नहीं की। ठीक है, तो यानी कि जैसे मेरी छोटी बेटी है और एक दो और बच्चे हैं जो चीज़ नहीं खाना पसंद करते। ये देखें जी हमारा चीज़ी क्रीमी स्पाइसी पास्ता रेडी है, तो अब हम आपको खा के भी दिखाते हैं। बहुत मज़े का ये बनना, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और जाते जाते हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।